So very good morning to all. So today we are going to cover the concept, what is contract, what is its meaning, what are the various essential features of a particular contract. So let's start with the video. First is, what is contract? According to section 2 subsection H, a contract is defined as an agreement enforceable by law. जो भी एग्रीमेंट लॉफुली इन्फोर्सिएबल होता है ऑन बोथ द पार्टीज उसको हम कह सकते हैं दैट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. जो भी एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सिएबल एट लॉ, मतलब जो आप कानूनी तौर पर एक दूसरे के ऊपर दावा नहीं कर सकते दैट इज नॉट इन्फोर्सिएबल एट लॉ, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते. सो नेक्स्ट इज एग्रीमेंट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, every promise and every set of promises forming consideration for each other, consideration is the return benefit the parties to the contract get. So agreement is the combination of offer plus acceptance. एग्रीमेंट क्या होता है? कोई भी एक प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस जिसमें दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. ठीक है, लेट सपोज आई एम ऑफरिंग समवन that I want to buy his car in around 2 lakh rupees, right? So here is the consideration for both the parties. Consideration for me is the car which I am going to get, and consideration for the other party is the money amount which I am giving to the another party. So agreement में दो चीजें होनी चाहिए. First is offer plus acceptance. अगर हम किसी को offer कर रहे हैं plus वो offer दूसरी party जो है accept कर रही है तब उसको हम कहते हैं that it is an agreement. Next is promise. According to section 2 subsection B, a proposal when accepted become a promise. जब हम किसी को कोई proposal देते हैं और आगे से उसने वो proposal accept कर लिया तो वो क्या बन जाता है? Promise. नेक्स्ट इज एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स बताए हैं. एग्रीमेंट की में क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बना एग्रीमेंट. और एग्री कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब एग्रीमेंट होगा प्लस इट्स लीगल एनफोर्सिबिलिटी, मतलब इट इज लीगली एनफोर्सिएबल, इट इज इन राइटिंग, इट इज प्रॉपरली रजिस्टर्ड, प्रॉपर स्टैम्प्ड, देन इट इज लीगली एनफोर्सिएबल. एग्रीमेंट में इट मे क्रिएट सोशल और लीगल ऑब्लिगेशंस, और दूसरे में इट क्रिएट्स ओनली लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज. ऑल द एग्रीमेंट्स डू नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स. कई बार क्या होता है कि हम आपस में डिसाइड करते हैं लेकिन फ्यूचर में जाकर किसी एक पार्टी का माइंडसेट चेंज हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते. एग्रीमेंट हुआ बट इट डज नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दैट ऑल आर एग्रीमेंट्स बिफोर. जब एग्रीमेंट होगा उसी के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स डू नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट मेन टर्म इज कंसेंसस एट एडम. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, मीटिंग्स ऑफ माइंड और आइडेंटिटी ऑफ माइंड और रिसीविंग द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम. कंसेंसस एट एडम का मतलब है कि दोनों व्हेनेवर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बोथ द पार्टीज शुड बी consensus at Adam. It means both the parties should be discussing about the same subject matter in the same manner or in the same sense. Like for example, एक person है Mr. A, उसके पास two cars हैं. ठीक है, one car is from Honda and second is from Toyota. Like I am giving him an offer that I want to buy his one of car. ठीक है, आई एम थिंकिंग दैट आई एम गोइंग टू बाय होंडा कार बट ही इज थिंकिंग इन हिज माइंड दैट ही इज गोइंग टू सेल टोयोटा कार. सो बोथ द कंसेंसस आर नॉट एट इटम. इट मींस दिस इज दिस एग्रीमेंट कैन नॉट बी डन बिकॉज बोथ द पार्टीज डोंट हैव द सेम थिंग इन देयर माइंड. सो असेंशियल फीचर इज दैट बिफोर मेकिंग एन एग्रीमेंट बोथ द पार्टीज शुड हैव द सेम सब्जेक्ट मैटर और सेम थिंग इन देयर माइंड. Next are the essentials elements of a valid contract. First is valid offer and acceptance. Dono features hone chahiye, offer from the one party and duly acceptance from the other party. Next is intention to create legal relationship. Dono parties ki intention honi chahiye contract create karne ki. Consensus addendum jo hum previous slide mein discuss kar chuke hain. Next is lawful consideration.
जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें कंसिडरेशन जो है दैट इज समथिंग इन रिटर्न दैट शुड बी लॉफुल। हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप हमें अपनी कार सेल करो हम उसके बदले में आपको ड्रग्स देंगे, बिकॉज द सेलिंग ऑफ ड्रग्स और गिविंग ड्रग्स टू समवन इज नॉट लीगल। ठीक है, जो कंसिडरेशन है समथिंग इन रिटर्न जो आपको पे करना है दैट शुड बी लॉफुल। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जो आपकी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं बोथ द पर्सन शुड बी लीगली कैपेबल, मतलब उसमें कोई माइनर एज का होना नहीं चाहिए क्योंकि माइनर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो बोथ द पार्टीज शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट, कंसेंट फ्री कंसेंट का मतलब है कि दोनों पार्टीज ने जो येस किया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो फ्रीली किया होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी एक पार्टी को हमने डराया है धमकाया है तो उस हिसाब से उसने अपना कंसेंट दिया है। द कंसेंट शुड बी फ्री। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट है दैट शुड बी लीगल। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको हम परफॉर्म कर सकें। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते तो दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज इट शुड बी इन राइटिंग एंड इट शुड बी रजिस्टर्ड। नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थ्री बेसिक क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू लीगल इफेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड अपॉन लीगल इफेक्ट्स। फर्स्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होगा जिसमें सारी असेंशियल कंडीशंस फुलफिल हो रही हो, सो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड दैट बिकम इनवैलिड। जो भी हमने अभी एसेंशियल कंडीशंस पढ़ी अगर कोई भी एक नहीं फुलफिल हो रही तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज वॉइड एब इनिशियो, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट वैलिड फ्रॉम द बिगनिंग। जो शुरुआत से ही हमारा एग्रीमेंट जो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही गलत हम कर रहे हैं तो इट मीन्स इट इज वॉइड एब इनिशियो। बिकम्स वॉइड एन एग्रीमेंट विच इज वैलिड इन द बिगनिंग बट ड्यू टू सम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट जो कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था दैट वॉज वैलिड, लेकिन उसके बाद कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में कन्वर्ट हो गया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हर एक कंट्री का ये रूल होता है कि एलियन एनिमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एलियन एनिमी वो होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल वी बिलोंग टू इंडिया और हमारी कंट्री की लेट सपोज वार चल रही है, लड़ाई चल रही है किसी और कंट्री के साथ, सो उस कंट्री के जो लोग होंगे वो हमारे लिए एलियन एनिमीज है। तो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब हम एलियन एनिमीज नहीं थे, तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन बाद में सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि लड़ाई लग गई दोनों देशों में, देन इट बिकम्स वॉइड। नेक्स्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड अनलेस अनटिल अवॉइडेड बाय द अदर पार्टी। जो कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरी पार्टी की ऑप्शन के ऊपर है कि वो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ, जो क्राइम की कैटेगरी में आते हैं, जो वायोलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी की कैटेगरी में आते हैं, दैट कॉन्ट्रैक्ट आर इलीगल। Unenforceable contract, it is valid but due to some technical defect that cannot be enforced. For example, हमने अपनी registration नहीं करवाई या proper signature नहीं है parties के, तो वो बन जाएंगे unenforceable contract. Next is based upon formation, express contract. The contract which is in writing is called express contract. Implied contract, when contracts are neither in writing nor in oral but inferred from the acts or circumstances. For example, we are going to a particular coffee shop. It means when I am entering into a particular coffee shop, I am sitting on the table over there, then it means I am from my conduct, it is implied that I want to have coffee over there or I want to have something over there. Next is quasi contract. It is not actually entered into by the parties but sometimes imposed on a party by law. Like in the case of finder of lost goods, अगर हमें किसी का पर्स मिल गया, किसी के सर्टिफिकेट्स गिरे हुए मिल गए हैं, ठीक है, सो मेरा उस पार्टी के साथ, उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने का कोई वैसे इंटेंशन नहीं थी, बट अकॉर्डिंग टू लॉ इट इज माई मॉरल ड्यूटी कि मैं वो उसकी चीजें उसके तक पहुंचाऊं, चाहे मैं कोई पुलिस में कंप्लेंट करूं या कोई और तरीका फॉलो करूं, सो दिस इज अ टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जो वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर लिया है, देयर रिमेन नथिंग टू परफॉर्म मोर,
तो उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब दोनों पार्टीज ने अभी अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं की, ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन एंड द अदर पार्टी इज येट टू परफॉर्म। ठीक है, एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दी है, ठीक है, मैंने अपनी कार किसी को सेल करनी है, मैंने अपनी कार उसके पास भेज दी है, लेकिन उनकी पेमेंट अभी मेरे पास नहीं आई, दैट इज दिस इज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जब दोनों पार्टीज ने अपनी एक्सपेक्टेड ऑब्लिगेशन जो है वो कम्प्लीट कर दी है, ठीक है, दैट इज बाइलेटरल और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। So this was the topic for today. So next time we will meet with a new topic. Thank you.